हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज इंग्लिश कैसे पढ़ना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, और लिटरली मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं वो मेथड नहीं बताने वाली कि भाई पहले तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद तुम वन शॉट वीडियो देख लो, तुम्हें चैप्टर समझ आ जाएगा, अब तुम उस चैप्टर को जाके एग्जाम में लिख लेना। इतने ज़्यादा शशि थरूर अगर तुम होते या तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती होती तो तुम यहाँ बैठ के ये वीडियो नहीं देख रहे होते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें चैप्टर नहीं आता, चैप्टर तो हर किसी को पता है, लेटर टू गॉड में इवेंचुअली हुआ क्या है, एवरीबडी नोज दैट। बट द प्रॉब्लम इज आपको वो चीज़ को लिख के कैसे आना है, उस चीज को बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उस इंफॉर्मेशन को जो आपके पास है उसको एग्जाम एप्रोप्रिएट कैसे बनाना है कि तुम नंबर ला सको, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी को लोग टैकल नहीं कर पाते, इसीलिए बच्चे 50% 60% मार्क्स पे रह जाते हैं, और मोस्टली बच्चे जो टॉपर्स हैं वो बोर्ड्स में भी 60% मार्क्स तक रह जाते हैं और उनका पूरा रिजल्ट खराब हो जाता है। मैंने खुद ने इंग्लिश में 10th और 12th में 99 मार्क्स स्कोर करे, एंड आई कैन टेल यू वेरी वेल हाउ एग्जैक्टली यू कैन ऑल्सो डू दैट। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो 40 मार्क्स का आपका आने वाला है। ये वीडियो आपको स्किप नहीं करनी, आप ये वीडियो 2x पे चला सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर की। अब लिटरेचर को पढ़ने का मेरा जो रिव्यू है उसका एक सिंपल सा मेथड है। पहले तो तुम्हें पूरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी, वो टाइम चले गया, वो जमाना चले गया। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर उठाओ, फॉर एग्जाम्पल आपने लेटर टू गॉड उठाया, उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको समरी पढ़ना है। समरी आप नेट से निकाल सकते हो, समरी आपको बुक में मिल सकती है, आपके रेफरेंस बुक में मिल जाएगी, कहीं से भी आपको बस उस चैप्टर की समरी लेके आना है और उस समरी को पढ़ लेना है कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में बातें क्या हो रही हैं। और उस समरी को पढ़ते पढ़ते आपको अपने दिमाग में एक सीक्वेंस और कैरेक्टर्स लिखते जाने। फॉर एग्जाम्पल लेटर टू गॉड में लेंचो है, लेंचो नाम का एक कैरेक्टर है, एक पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर्स लिखते जाने और बस दिमाग में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फीड करनी है कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन लोग हैं और इस चैप्टर में चल क्या रहा है। बस यहां से आपको कुछ लर्न नहीं करना, यू डू नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग, कोई लाइन कुछ चीज, बस चैप्टर को समझ लो बहुत अच्छे से जितना तुम कर सकते हो। अब दूसरा स्टेप क्या है, डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। बोर्ड एग्जाम्स में जाकर समरी तो नहीं लिखनी, ना बोर्ड एग्जाम्स में जाकर तुम्हें किसी एग्जामिनर को कहानी समझानी, तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स में नंबर चाहिए। भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें 3 नंबर चाहिए, वो तुम्हारा टारगेट है। बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन एंड आंसर की राइटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, ताकि एग्जामिनर देखे बोले वाह भाई क्या आंसर लिखा, तुम्हें 3 नंबर दे, तुम्हारा काम खत्म हो। ठीक है, तो उसको कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। जब तुम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे जंप करोगे ना, तो तुम्हें 10 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हर एक चैप्टर के। फॉर एग्जाम्पल लेटर टू गॉड है, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन तुमने उठाया और उस लॉन्ग क्वेश्चन को डायरेक्टली पढ़ना शुरू किया, चैप्टर को, चैप्टर दिमाग में है तुम्हारे कि तुमने चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा था। जब तुम्हारे सामने बेटा क्वेश्चन आएगा, तुम्हें उसको पढ़ते पढ़ते जो भी अच्छे लाइंस और वर्ड्स होंगे उस आंसर के, उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है। ऐसी ऐसी लाइंस और वर्ड्स कि जब तुम अपने एग्जाम्स में वही लाइनें चिपका के आओ तो एग्जामिनर बोले भाई साहब मजा आ गया, तुम्हें पूरे 3 नंबर दे दे। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो ध्यान से देखो, आंसर है ये, एक लॉन्ग आंसर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आंसर पढ़ती गई। फॉर एग्जाम्पल लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग अच्छा वर्ड दिख रहा है, तुम्हें एडजेक्टिव लिखना जरूरी है। लेंचो वॉज अ फार्मर लिखोगे, टीचर इंप्रेस नहीं हुआ, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर लिखा है, एडजेक्टिव घुसा दिया। उसके बाद तुमने लिखा डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेन एंड हेल स्टॉर्म्स, हैवी रेन एंड हेल स्टॉर्म्स लिखना इंपॉर्टेंट है, ये क्या दिखा रहा है कि तुमने चैप्टर को डीपली पढ़ा है, तुम्हें पता है कि भाई उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय, तुम लिख दोगे भाई उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होगी, डजंट मेक एनी सेंस, यू नीड टू गो मोर डीपर कॉन्सेप्ट्स में। आपको पता होना चाहिए आपने इंग्लिश में बहुत अच्छा पढ़ा है। आपने एक और लाइन चिपका दी, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन वी यूज फॉर समवन हु इज सो हार्ड वर्किंग एंड हु वर्क्स टायरलेसली, जैसे कि आपका लेंचो था, तो ऑक्स ऑफ अ मैन एक तरीके से हमने उसके बारे में क्वालिटी लिख दी, ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेज हो गया, ये भी आपने लिख दिया। अब ऐसी चीजें अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हो तो टीचर इंप्रेस है, आपका मोटिव फुलफिल हो रहा है, 3 मार्क्स मिलने वाला, और आपको पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ रहा है। डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन आंसर्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते जाओ। ऐसे ही आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ करना है। जब ये 10 लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आप ये सब काम करोगे, आपके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यू जस्ट हैव टू मिक्स एंड मैच दोज इन्फॉर्मेशन, जो अच्छे अच्छे लाइंस और सेंटेंसेस या वर्ड्स आपने सीखे हैं वो आगे पीछे करके आप बहुत सारे आंसर्स को फॉर्म कर सकते हो। अब अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो एटलीस्ट आपको हर चैप्टर से 10 अच्छे वर्ड्स और 20 ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, एंड आई कैन गारंटी दुनिया की जितनी स्ट्रैटेजीज देख लो, काम आखिरी में तुम्हारे यही आएगी, क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में जाके आंसर्स लिख के आने। लास्ट ईयर मेरे खुद के बच्चों ने 95+ मार्क्स स्कोर किए हैं 7 डेज में बस ये काम करके। तो ये चीज याद रखना, लिटरेचर में 80% पेपर तुम्हारा रिपीटेड होता है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पूरी एनसीईआरटी करने के लिए। हर बार मैं बोल रही हूँ, बच्चे पूछते हैं बुक, मैं तुम्हें बोलूंगी मेरी बुक खरीद लो,
दोनों ही है, ये प्रीवियस ईयर है, 11 साल के लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं सारे सॉल्व है और ये सैंपल पेपर है, बेस्ट है, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। इसमें सीधे तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और इसमें सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है लंबे लंबे चैप्टर्स पढ़ने के लिए। जो तुम्हें चाहिए वो डायरेक्टली मैंने इसमें डाला है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर सकते हो और ये दोनों बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सेकंड बात करते हैं यार ग्रामर की। ग्रामर तुम्हारी ना 10 नंबर की आनी है। 10 नंबर की ग्रामर में 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स में से तुम्हारे पास 12 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से तुम्हें 10 करने हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये 5 टॉपिक्स को एक बार देखते हैं। डिटरमाइनर्स बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, सब मैं पढ़ा दूंगी एक एक करके। टेंसेस तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम स्किप नहीं कर सकते। मॉडल्स वेरी इजी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत इजी। ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट से बच्चा बहुत डरता है, छोड़ दो, स्मार्ट वर्क करो, स्किप कर सकते हो टॉपिक। अब अगर 12 क्वेश्चंस हैं तो 12 में से 6 क्वेश्चंस थोड़ी रिपोर्टेड स्पीच से आ जाएंगे, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना 2 क्वेश्चन छोड़ने के, तो अगर 2 क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच से आए तुम छोड़ सकते हो, इस टॉपिक को स्किप कर दो। और अगर बाय चांस एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ भी गया तो तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के तो कर ही सकते हो। अपना टाइम वेस्ट करके और ट्रॉमा में रहने से बेटर है ना कि जो बाकी के 5 इजी टॉपिक्स है तुम उसको कवर करके चले जाओ। ये टॉपिक छोड़ दो, 12 में से 10 क्वेश्चंस करने, ये ग्रामर को करने का सबसे बेस्ट तरीका। अब दूसरी चीज है कि ग्रामर को प्रैक्टिस कैसे करना है। अब इसको ऐसे समझो, मैंने मेरी बुक में ना ग्रामर के जितने 11 साल के क्वेश्चंस हैं वो सारे डाले हैं, तुम्हें बस ग्रामर एक्सरसाइज खोलनी है, वो क्वेश्चन देखना है, उसको सॉल्व करना शुरू करना है। जो भी उसके हैक्स हैं चीजें वो तुम्हें सॉल्व करते 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 अपने आप समझ आने लगेगा कि बार बार हम इसी चीज को क्यों यूज कर रहे हैं। तो ग्रामर को आपको सॉल्व करके समझ आएगा, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं लगते उसको छोड़ दो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। केवल 10 नंबर की ग्रामर आनी है जिसमें से भी 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे होते कि तुमने अगर ग्रामर की कभी शक्ल भी नहीं देखी तो भी तुम सॉल्व करके आ जाओगे। तो ग्रामर को इतना बड़ा हाइप करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन ग्रामर पोर्शन। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर राइटिंग सेक्शन, कि हाउ टू एस योर राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन अगर पूरे इंग्लिश में सबसे इजी कोई चीज होती है, दैट इज योर राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में याद रखो आपके पास जितने भी फॉर्मेट्स हैं और जो जो आपके राइटिंग सेक्शन में आने वाला है वो कहीं पे नोट डाउन कर लो। राइटिंग सेक्शन का रूल नंबर 1 है, अगर पूरे मार्क्स लाने हैं, कि फॉर्मेट याद कर लो, फॉर्मेट का रट्टा बजा लो, जो मर्जी हो जाए तुम्हें फॉर्मेट आना चाहिए, फॉर्मेट करेक्ट चिपका दो। एग्जामिनर फ्री का 1.5 मार्क्स दे देगा और उसके दिमाग में तुम्हारी एक ऐसी इमेज बनेगी, यार ये बच्चे ने ठीक ही लिखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, सेंडर्स एड्रेस का फॉर्मेट, मुंह जबानी पता होना चाहिए, भाई दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ आपका लेटर टू एडिटर, सेम आपके बाकी लेटर्स के भी। तो फॉर्मेट इज द बेसिक की, फॉर्मेट सबका पता होना चाहिए। दूसरा, जब आप राइटिंग सेक्शन करते हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग या कुछ कुछ लाइंस है जो फिक्स होती हैं, जैसे आप किसी को लेटर भेजते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म द कंसर्न्ड अथॉरिटीज और दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, ये लाइन है ऊपर की भी रट लो, 2 नीचे की भी रट लो, एग्जाम में जाओ वो सारा का सारा ढांचा चिपका दो, बीच बीच की डिटेल्स में वो फिल कर दो जो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है। तो राइटिंग सेक्शन तुम्हारा ऐसे चलता है, हर एक राइटिंग सेक्शन के 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ है, लेकिन अगेन बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें पूरा का पूरा रट के रखना है। अब लास्ट टॉपिक आता है रीडिंग सेक्शन। जितने भी लोग तुम्हें रीडिंग सेक्शन का ज्ञान देते हैं सब फालतू है। रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करने का केवल एक ही मेथड है और वो है अटेंटिवनेस और स्मार्ट वर्क। जो बच्चा रीडिंग सेक्शन पूरा पैराग्राफ पढ़ता है बैठ के, कि भाई मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा फिर मैं अंडरलाइन करूंगा, बेटा इससे ज्यादा फालतू अगेन कोई दूसरा मेथड नहीं है। यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम इन योर बोर्ड एग्जाम्स टू वेस्ट, यू डायरेक्टली हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्टली अपने आंसर्स में जाओ, अपने पैराग्राफ में जाओ और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, जहां पे आंसर मिला मार्क किया, उसको अपने एग्जाम में लिखा, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, आंसर में जाओ, देखा, खत्म। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर ढूंढो, मार्क किया, खत्म। कोशिश करो कि जो आंसर लिखते हो उसको डायरेक्टली ना उठा के हल्का बहुत लैंग्वेज चेंज कर दो, तो आपके एक मार्क भी नहीं कटने वाला। दूसरी चीज क्या होती है, अपनी स्पीड पे आपको काम करना है। जिस टाइम आपको टीचर क्वेश्चन पेपर देता है ना और बोलते हैं आपके पास 15 मिनट का टाइम है, उस टाइम को वेस्ट मत करो इधर उधर दूसरों की शक्ल देखने के लिए। उस 15 मिनट में दोनों रीडिंग पैसेज आराम से सॉल्व हो सकते हैं। तीसरा ये है कि किसी भी हाल में रीडिंग सेक्शन पे बहुत ज्यादा अपना टाइम नहीं लगाना है। तुम जैसा भी आंसर लिखो, फॉर एग्जाम्पल तुमने मिलता जुलता आंसर भी लिख दिया ना बेटा, तो तुम्हें रीडिंग सेक्शन में बहुत फ्री के मार्क्स मिलते हैं हमेशा से। टीचर बहुत ज्यादा लीनियंट मार्किंग करता है रीडिंग सेक्शन में, तो ये मत सोचना कि हमारे हाफ ईयरली में तो रीडिंग में टीचर
ने मार्क्स काट दिए, क्योंकि वो काटेगा, क्योंकि वो चाहता है तुम बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करो, बट बोर्ड एग्जाम्स का ब्लूप्रिंट ऐसा नहीं चलता। अगर तुमने रीडिंग सेक्शन में मिलता जुलता आंसर भी लिख दिया ना, तो भी टीचर तुम्हें मार्क्स दे देता है, ज्यादा से ज्यादा हाफ मार्क्स काट देता है। इसके पीछे तुम अपना बाकी का पेपर मत खराब करना। तो ये तरीका होता है आपका इंग्लिश को सॉल्व करने का। मैं आपको बता रही हूं, आपको आज से ही सारे इंग्लिश के चैप्टर्स के एक एक करके 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट और सेंटेंसेस की लिस्ट बनानी है, और मैं आपको सारा ग्रामर पढ़ा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।